श्रीकाल जी सारे नू मेरे चैनल पर थोड़ा सब का स्वागत है। आज की वीडियो मैं बनाई हैगी है पालक की भुर्जी। वीडियो चंगी लगे लाइक तो शेयर जरूर कर दियो तो कमेंट करके दस्यो मैं तुम्हें वीडियो किदा की लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लो। जोड़े व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने अजे तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, लगी बैल जी उन्हें प्रेस जरूर कर लो तुम हर एक आने वाली वीडियो तो सब तो पहले पता चल जाए तुम वीडियो देख सको। भुर्जी देखो बहुत ही टेस्टी बनी है तो कलर भी बहुत ही वधिया आया है, हैल्दी भी है टेस्टी भी है, हैल्दी तरीके बनाई है अपने बहुत वधिया बनी है। हलवा स्टाइल आनु दस दें कि बनाई है, सबसक्राइब जरूर कर लो प्लीज़। ये देखो आप आलू लए ने, आलू मैं धो के रख ले हुए हैं सारी उत्तर मिट्टी वगैरह ला के, पालक में मैं धो के रखता चंगी तरह धो के सुखा लिया, टोकरी में पा के रखी हुई है। हम आप इन्हों कटते हैं सब तो पहला आलू छिल के, मैं आलू कट लूँगी पहला, सब तो पहला आलू कट के नाल दी नाल ही कटते रहेंगे तो नाल दी नाल अपनी सब्जी सब्जी बनती रहेगी। आलू मैं छिल लूँगी सब तो पहला, मैं सारे आलू आप छिल लेने, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं लाना, बस एको बार जिते कटर फेरता दोबारा नहीं फेरना है, इन्ना क ध्यान नाल इन्हों मैं कट लूँगी सब तो पहला, मोटे पीस कटूंगी थोड़े जे बिल्कुल बरीक नहीं करना है इन्हों, इदा सोहने पीस कटा इदा चौरस जे तो वधिया लगते। देखो इस तरह कटे मैं छोटे पीस ने, वैसे उदा मोटे आ बरीक भी नहीं है, तो लंबे लंबे पीस नहीं कटे है मैं इदा सोहने, बाकी तुम जो चंगे लगे तुम उदा ही कट सकते हो। आलू मैं सारे कट के कर लूँगी तैयार, आलू देखो हो गए तैयार मेरे, इन्होंने मैं धो के चंगी तरह स्टार्च कटता, दो तीन बार पानी चंगी तरह मल के धो लिया मैं इन्हों। हूँ मैं कढ़ाई रखी है गैस के उपर, पाऊँगी मैं सरसों का तेल, सरों के तेल च बनाऊँगी क्योंकि जी सुी सब्जी हैगी सरों के तेल च बहुत टेस्टी बनती है, जिनी सब्जी आप तेल पाना है आप पहले ही पा लेना सारा वो। तेल गर्म हो जाए, गर्म होकर थोड़ा ठंडा करना है तो जो कौड़ा पाना चला जाए, तेल देखो गर्म हो गया दोबारा, मैं गैस करती घट, जोड़े आलू है मैं ये पा दूंगी सारे, डीप फ्राई नहीं करना है आपको, इन्होंने कोई फ्राई नहीं करना, बस इतना ही ये पा के तो चंगी तरह हिला के ढक के रख देना, स्टीम के नाल बन जाएंगे, गैस घट करके ढक के रख दूंगी आलूआं नूं मैं। आलू जब तक बनते जब तक आप अपनी पालक कट लेने, देखो पालक मेरी धो के रखी होगी बिल्कुल ही बरीक कटना जोड़ा है, बहुत ही बरीक बरीक कटना है, मोटी मोटी नहीं कटनी हैगी, आप जी बरीक कटी हैगी वधिया लगती है पालक की भुर्जी, जो मोटे ना पत्ते जो वधिया नहीं लगते, देखो बिल्कुल बरीक बरीक कटूंगी मैं इनू, कटन से थोड़ा बस इनकी मेहनत करनी है कि बिल्कुल बरीक होवे, मोटी मोटी नहीं कटनी हैगी, बहुत ही सिंपल जिहा तरीका, कोई बहुत समान नहीं पाया है, सिंपल तरीके ने बनाई है तो सिंपल जिहड़ा घर च समान हुंदा अपने उस नहीं बनाई है पर टेस्टी बहुत बनूंगी, थोड़ा जिहा तरीका हुंदा वखरा वखरा करन दा अपना, निक्की निक्की गल्लां दा ध्यान रखिए चीज़ अपनी बहुत वधिया बन जाती है। सारी पालक मैं इदां बरीक बरीक कट लूँगी, कट के नाल दी नाल बाउल च कटती रहूँगी क्योंकि उत्थे डुल जूगी ना, इस करके आलू भी देखो उधर बन गए हुए हैं मेरे, आलूआं नूं मैं कढ लूँगी प्लेट दे विच, उधर पालक कट ली ते इधर मैं बन गए आलू, आलूआं नूं सारे मैं प्लेट दे विच कढ लूँगी हुण इक, ते आपां बनाउने आ सब्जी। फिर प्याज भी मैं कट के रख लिया, तो प्याज टमाटर सब कुछ कट के रख लिया मैं, आलू मैं कढ़ ले सारे प्लेट के, हम तेल जोड़ा बच गया इस आप बनाने सब्जी, तेल दोबारा कोई नहीं पाना है,
पता मैं जीरा ते हिंग पाऊंगी थोड़ी जी, क्योंकि हिंग ना जड़ा सब्जी का टेस्ट है बहुत वधिया हो जाता है। तो जरूर ट्राई करके देखो, हिंग पा के बहुत वधिया लगती है। पा तो मैं प्याज ते हरी मिर्च कट ली, मैं दो हरिया मिर्चा कट्टिया ने दो प्याज कट्टे आ, इन्हें मैं पा के थोड़े कर लूँगी ये सॉफ्ट जे, थोड़े जे ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं करने है, तड़का साड़ना नहीं है आप, बस बहुत घट ही करना है। उन्नी देर तक प्याज उन्नी देर तक मैं कर लैनी टमाटर अपने कट लूँगी। इन्नी देर तक प्याज अपने हो रहे हैं, जल्दी ना टमाटर कट के पा दूंगी। देखो प्याज हो गए मेरे सॉफ्ट, ते इहदे च मैं पा दूंगी हुण अदरक लसन का पेस्ट। अदरक लसन इस करके मैं साफ तो नहीं कटिया है, इस करके मैं पेस्ट ही पाता, मैं बहुत जल्दी चा अज। ते नाल दी नाल मैं पा दूंगी टमाटर, इसमें पा दूंगी मसाले, मिर्च पाई है थोड़ी जी क्योंकि हरी मिर्च भी पाई है, नमक पाया है ते हल्दी, बस और कुछ नहीं पाना मैं पहला। हम इस पा दूंगी टमाटर, टमाटर सॉफ्ट करके थोड़े जे बस बाकी सब्जी पा दूंगी बिच। बहुत ही सौखा जहा तरीका, सिंपल जहा तरीका, तो बहुत वधिया बन जाती है। तुम बना के देखोगे तो लगेगा कि बहुत ही फर्क लग नज़र आऊगा तुम, जी तुम पहला बनाने उस तो। आलू पाती हूँ मैं, तो नाल ही पा दूंगी पालक, पालक अद्धी पाऊंगी पहला क्योंकि पालक फुली होंगी फ्लफी होंगी है ना, ये तो कढ़ाई भर जूगी एक बार तो मेरी। हूँ मैं थोड़ी जी हिला के थोड़ी जी बैठ जाए फिर बाकी दी पा दूंगी बिच, बहुत जल्दी है पिचक जाती है। देखो पालक होगी थले, हूँ मैं ये बाकी दी पालक भी पा देनी है, तो इन ढक के थोड़ा जहा सेक लवा लूँगी। पालक सारी बिच पाती मैं, इदा ढक दूंगी थोड़ा जहा थले बैठ जाए, फिर उस तो बाद चंगी तरह हिला दूंगी। देखो पालक बिल्कुल बिच पिचक रही है, बहुत थोड़ी हो गई है, हूँ आराम ना हिल जानी है, क्योंकि पालक जड़ी है कि बहुत जल्दी रिझ जाती है तो बहुत जल्दी बन जाती है। ये थोड़ी देर ढकूंगी बस, मैं दो मिनट होर सेक लवा लवा। देखो पालक की सब्जी होगी मेरी तैयार, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही वधिया स्मेल आ रही है इस। देखो आलू मेरे बन गए हैं, इतना तो कटा के देखूंगी दब के क्योंकि मेरे को गर्म है, हाथ ना तो दवाई नहीं जा रही। देखो रिझ गया हुआ, हूँ मैं पा दूंगी बस धनिया पाउडर ते कसूरी मेथी। धनिया पाउडर पाया एक चम्मच, ते कसूरी मेथी पाऊंगी अद्धा चम्मच, सब्जी कर दूंगी मिक्स में। सब्जी का कलर देखो बहुत ही वधिया आया है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने को, दिल कर रहा हमने खाने को। तुम जरूर ट्राई करो, जरूर बना के देखो। सब्जी देखो कितनी वधिया बन गई है, इन्हें मैं हम पाऊंगी बाउल दे विच कट के दिखाऊंगी तुम प्लेट दे विच, कितना वधिया कलर लग रहा सब्जी का, बहुत ही सोहनी सब्जी बनी है। तुम मैं जरूर बना के देखो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर दस्या करो ट्राई करके कि तुहाडी कितना दी बनी है, मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस्यो। मिलते हैं आप बहुत ही जल्दी एक नवी वीडियो के नाल। चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलो प्लीज़, वीडियो देख के हम आप चलते हैं, मिलांगे बहुत जल्दी नवी वीडियो के नाल। ओके बाय बाय।